नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर आपको ध्यान हो तो सत्य हिंदी पर हम लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में बिल्कुल असफल रही, बिल्कुल नाकाम रही। और आज इस बात को एक बार फिर से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इसको पुख्ता किया है। अब आपको बता दें कि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट ने साफ साफ उल्लेख किया है इंसाकॉग नामक एक फोरम का। इंसाकॉग का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो दैट इज इंडियन सार्स कोव टू जेनेटिक्स कॉन्सोर्शियम, यानी कि इंसाकॉग एक ऐसा फोरम था वैज्ञानिकों का जिसकी स्थापना दिसंबर 2020 में खुद भारत सरकार ने की थी। उसमें 5 साइंटिस्ट थे जिनका ये काम था कि ये जो नए नए कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे हैं इनको डिटेक्ट किया जाए, उनकी पड़ताल की जाए, और इसमें 10 नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज को इसमें जोड़ा गया था। अब जो रॉयटर्स की खबर है वो यही कह रही है कि ये जो इंसाकॉग के जो वैज्ञानिक हैं ये इस समय बहुत ही हतोत्साहित हैं, बहुत ही डिजेक्टेड हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके जो दिए गए सजेशंस थे, सुझाव थे, उसे केंद्र सरकार ने नहीं माना। और अब आपको बता दें कि ये जो फोरम था जो साइंटिफिक एडवाइजर्स का, तो इन्होंने मार्च के महीने में ही सरकार को ये बता दिया था कि कोरोना का एक नया वेरियंट इस समय देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, लोगों की बहुत जाने जा सकती हैं। लेकिन तमाम इन सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद इसी फोरम का कहना है, इंसाकॉग के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि आप देखिए कि सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, पॉलिटिकल रैलीज को होल्ड किया और लोगों ने फेस्टिवल्स में हिस्सा लिया, त्योहार मनाया, कुंभ मेले में हिस्सा लिया, इसके बावजूद कि इंसाकॉग के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को लेकर एक वार्निंग दी थी। अब आपको बता दें कि इंसाकॉग ने अपनी जो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसकी जो रिपोर्ट थी वो हेल्थ मिनिस्ट्री से शेयर किया था, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसके साथ 10 मार्च को ये रिपोर्ट इंसाकॉग ने शेयर की थी। अब आपको बता दें कि उसी रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ कहा गया था कि इन्फेक्शंस बढ़ेंगे और मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को उजागर भी किया था, पब्लिक डोमेन में भी लेकर आई थी मार्च 24 को, लेकिन 2 वर्ड्स उसमें से हटा दिए थे मिनिस्ट्री ने और वो 2 वर्ड्स थे हाई कंसर्न। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो स्थिति है वो काफी वरीसम हो सकती है और काफी दुखदायक हो सकती है, तो वो जो 2 वर्ड्स हैं दैट द सिचुएशन कुड बी ऑफ हाई कंसर्न, तो ये हाई कंसर्न वाले शब्द मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसको हटा दिया था। अब आपको बता दें कि जो चेयरपर्सन है इंसाकॉग के शाहिद जमील, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कहा है कि अथॉरिटीज ने बिल्कुल भी इस बात को लेकर ध्यान नहीं दिया, उनका जो फिंगर्स थी वो पॉइंट बिल्कुल सरकार की तरफ कर रही थी कि सरकार ने इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो एविडेंस, जो प्रमाण वैज्ञानिकों ने दिया था उसके आधार पर कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए और उस तरीके के एहतियात सरकार ने बिल्कुल नहीं बरते। और उन्होंने शाहिद जमील ने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा कि साइंटिस्ट का काम है, वैज्ञानिकों का काम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी उभर रही है, अगर वो चाहे कोरोना की महामारी हो चाहे कुछ भी हो, तो साइंटिस्ट प्रमाण देते हैं और नीति बनाने का काम सरकार का होता है। तो प्रमाण को दरकिनारे किया इस सरकार ने और नीति भी ठीक से नहीं बनाई। ये जो इंसाकॉग के साइंटिस्ट है ये इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहे हैं। और उसके बाद इन्हीं साइंटिस्ट ने, जैसे शाहिद जमील हैं और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि ये जो इंसाकॉग की जो रिपोर्ट थी इसको इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को भी दिया था, लेकिन ये साइंटिस्ट श्योर नहीं थे कि राजीव गौबा ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस रिपोर्ट की चर्चा की थी या नहीं की थी। इस बात को लेकर थोड़ा सा उनके मन में दुविधा थी। अब आपको बता दें कि 18 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये बिल्कुल कहा गया था कि अब समय आ चुका है कि हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद और नेशनल टास्क फोर्स जो कोविड-19 की है जिसके चेयरपर्सन है डॉक्टर वीके पॉल, उनको भी ये बात बताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद चुनावी रैलीज होती रही, इसके बावजूद कुंभ मेला होता रहा, लोगों ने होली मनाई और सारी सोशल गैदरिंग्स हुई, इसके बावजूद कि आपके साइंटिस्ट, आपकी जो टास्क फोर्स है
और आपके जो खुद के वैज्ञानिक हैं वो इस बात को कह रहे थे कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो देश के लिए घातक हो सकता है, देश में ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि अप्रैल 18 को ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद अप्रैल 20 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया था उसमें उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र किया ही नहीं और ये कहा कि लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प होना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि जो हालत है, जो इंडियन वेरिएंट है कोरोना का, वो 17 देशों में पहुंच चुका है और वो जो 17 देश हैं उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को लॉक कर दिया है, फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, लोग वहां पर नहीं चाहते कि भारत से लोग उन 17 देशों में जाएं। और लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि आज इतनी बड़ी महामारी के बीच मोदी सरकार के लोग अपने ही वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कोरोना का स्ट्रेन है, अगर वैज्ञानिकों को जीनोम सीक्वेंसिंग का काम, ये जो इंसाकॉग नामक फोरम है, अगर इसको दिया गया था और उनकी सलाह पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो चीजें घातक हो सकती हैं? तो बिल्कुल, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट साफ साफ ये कहती है कि जो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनकी एडवाइस को बिल्कुल दरकिनारे किया गया और उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये तो बात साइंटिफिक कम्युनिटी की थी कि आपने साइंटिस्ट की कम्युनिटी की बात मानी ही नहीं, जिसको लेकर तमाम मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे आपका डिजिटल मीडिया है अपने ही देश का, वो बार बार इस लगातार इस बात को कह रहा है कि मोदी सरकार किसी की बात नहीं मानता है। लेकिन अब आपको एक दूसरी चीज बताती हूं, जो बार बार ये बातें आ रही है सामने कि क्या मोदी सरकार को नीतियां बनानी आती है या नहीं आती, क्या उन्हें इमरजेंसी से निपटना आता है या नहीं आता है, क्या उनको वाकई में ये चीज समझ में आ रही है कि जो इस समय कोरोना की जो हालत है वो वाकई में इतनी ज्यादा गंभीर है कि ये एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, क्या ये बात मोदी सरकार को समझ में आ रही है? आज इंडियन एक्सप्रेस को जो चीफ मेडिकल एडवाइजर है बाइडन गवर्नमेंट के, एंथनी फॉची, जो कि 7 अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, महामारी को उन्होंने बहुत अच्छे से इस समय यूएस में टैकल किया है और अमेरिका में जिस तरीके की महामारी दिख रही थी उससे निपटने में काफी हद तक आज अमेरिका कामयाब हुआ है। उसने 40-50% अपने लोगों को टीका भी लगवा दिया है। तो आज उसी एंथनी फॉची ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में, उन्होंने डायरेक्ट अक्यूज नहीं किया है मोदी सरकार को, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है और अगर वो ये इस बात को कहेंगे कि मोदी सरकार ने ये कमियां रखी, उन्होंने ये ठीक से काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना देते हुए एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की तरह स्टेटमेंट्स देंगे। और उसी की राह पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू मोदी सरकार की नीतियों की एक तरीके से पोल खोल कर रख देता है। अब आपको इसके बारे में मैं पॉइंट वाइज बताना चाहती हूं और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि ये समय वो नहीं है कि जब हम मोदी सरकार की कमियां ढूंढें, लेकिन आज अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? इतने सारे जो लोग मर रहे हैं, 3,000 से ज्यादा मौतें इस समय भारत में रोज हो रही है, 4,00,000 से ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज ये जो क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट है ये आज आप इसके लिए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या नहीं करेंगे? अब एंथनी फॉची ने कुछ बातें कही हैं जिसको लेकर अब ये देखना है कि मोदी सरकार ने अपने वैज्ञानिकों की बातें नहीं मानी है, क्या अब एंथनी फॉची की बातें क्या सरकार मानेगी? सबसे पहली बात जो एंथनी फॉची ने अपने इंटरव्यू में कही है वो ये कही है कि भारत की जो समस्या है इस समय इतनी ज्यादा गंभीर है कि तुरंत कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाना इस समय जरूरी है। अब क्या लॉकडाउन इस समय लगेगा? कल तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या इसके बाद मोदी सरकार लॉकडाउन अनाउंस करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर अभी काफी लोगों के मन में संशय है। लेकिन एंथनी फॉची के हिसाब से इस समय मोदी सरकार को कुछ हफ्तों का, 6 महीने लंबा नहीं बल्कि कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाना जरूरी है अगर आपको ट्रांसमिशन साइकिल जो वायरस का है अगर उसे तोड़ना है। दूसरी चीज जो एंथनी फॉची ने कही कि आपको 3 तरीके के मेजर्स उठाने पड़ेंगे, यानी कि 3 तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे, एक इमीडिएट जो कि आप एकदम से करें, एक इंटरमीडिएट जो कि आप 2 हफ्ते बाद कदम को उठाएं, और तीसरा जो कि लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट मेजर्स में उन्होंने ये कहा है कि एक इमरजेंसी ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन बेड्स वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है वो एक सेंट्रल ग्रुप हो जिसको लोग अप्रोच कर सके। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं
कि कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, किसी को ये नहीं पता कि कौन सी हेल्पलाइन है, किसी को देश में समय ये नहीं पता है कि अगर उसका परिवार वाला आज बिल्कुल मरने की स्थिति पर है तो वो किसको फोन लगाए, किससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराए। हाँ, अगर आप रसूख वाले हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, आप पॉलिटिशियंस को जानते हैं, तो आज आप अपने लिए बेड ढूंढ कर लगवा सकते हैं, आज आप अपने लिए रेमडेसिविर की दवाई का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन उस आम आदमी का आज क्या होगा जिसके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उसी चीज को लेकर एंथनी फॉची ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा सेंट्रल कमीशन या एक ऐसा इमरजेंसी ग्रुप हो, एक ऐसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास आम आदमी जा सके। तो मोदी सरकार की नीति में यह ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं एग्जिस्ट करता, भले ही उन्होंने COVID-19 की टास्क फोर्स बना दी हो, इंसाकॉप जैसे बड़े ग्रुप्स बना दिए हो, लेकिन उनका कोई फायदा इस समय नजर नहीं आ रहा है। दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि इमीडिएट स्टेप्स में आप सबसे पहले ये देखें कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो, बेड्स हो, दवाइयां हो, वो जल्द से जल्द लोगों को कैसे पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना में देख लीजिए कि किस तरीके से इन्फेक्शन कम हुआ है। चाइनीज ने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी यूनिट्स हॉस्पिटल्स बनाए, जगह जगह पर उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाया और वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट दिया। आज भारत में क्या है, जगह है, बहुत सारी जगह उपलब्ध है, लेकिन हम उस जगह को इस्तेमाल कैसे करें उसके लिए कोई प्लान नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग जगह लगा सकते हैं। एंथनी फॉची ने यह भी कहा कि आप मिलिट्री को इस्तेमाल करें, ठीक जैसे अमेरिका ने अपने नेशनल गार्ड को इस्तेमाल किया। उसके बाद चाइनीज का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बिल्कुल ये एक वॉर टाइम इमरजेंसी है, जैसे कि जब युद्ध होता है और युद्ध के समय एक इमरजेंसी जैसा माहौल होता है, उसी तरीके से एक ये माहौल इस समय एग्जिस्ट कर रहा है भारत में। तो अगर आप टेंट्स लगाकर और जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो खोलना चाहें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत के पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, तो क्या भारत आज फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं बना सकता? बना सकता है, जरूर बना सकता है, कैपेबिलिटी है, पैसा है, लेकिन क्या चीज नहीं है, प्लान नहीं है, विजन नहीं है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े स्लोगन्स देती है, लेकिन जब प्लान बनाने की बारी आती है, विजन देने की बारी आती है, तो आज इसी मोदी सरकार ने अपने ही लोगों को फेल कर दिया है, और सिर्फ फेल ही नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया है कि जाइए अब आप मरिए। सरकार ने देखिए सारी नीतियां दरकिनारे कर दी है। एक बात जो एंथनी फॉची ने और भी कही और जो आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगी कि वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन अगर ऐसी बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ दो कंपनियों पर भरोसा किया, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। आज क्या वजह थी कि मोदी सरकार और कई इतनी सारी विश्व में कंपनियां थी, आप उनके साथ आपने क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए? आज एंथनी फॉची ने इसी बात को कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स आप अलग अलग देशों से साइन करते, रशिया से साइन करते, ब्राजील से साइन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सिर्फ दो कंपनीज पर निर्भर कर रहा था और वो भी बिना किसी प्लान के कि अगर पहला जो स्लॉट है वैक्सीन का वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा प्लान में हम क्या करेंगे। नहीं, आपने तीन प्लान अनाउंस किए टीकाकरण के, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 में आपने ये भी कह दिया कि 18 साल की उम्र के लोगों के लिए हम आज वैक्सीनेशन खोल देंगे, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आज टीकाकरण का अभियान नहीं शुरू किया, एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपको टीकाकरण पर खास फोकस रखना चाहिए। ये बात सही है कि टीकाकरण से आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक आप लोगों का टीकाकरण नहीं करेंगे आप इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो राज्य हैं, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड, यूपी, JNK, ये सारे वो राज्य हैं जो आज तीसरा फेज जो टीकाकरण का है वो नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, इन राज्यों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई। तो आप इसे क्या कहेंगे, प्लानिंग में कमी, विजन में कमी, रणनीति में कमी। और ये कमी इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स की राय नहीं मानी, वैज्ञानिकों की राय नहीं मानी। अब आपको बता दें कि ये तमाम बातें आज एंथनी फॉची ने इसको लेकर कहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय भारत की जो स्थिति है उससे ये बनता है समय कि जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, वहां पर भारत के जो इस नए कोरोना के जो वेरिएंट है उसके सैंपल्स वहां पर भेजे जाएं, और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वेलकम ट्रस्ट जो यूनाइटेड किंगडम की है वहां पर भेजा जाना चाहिए। और
ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन बास्केट है उसको बड़ा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस समय भारत का टीकाकरण का अगर आप परसेंटेज देखें तो 2% केवल ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज लगी है और 11% लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोज लग चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, हमने सिर्फ ऐलान किया, मोदी जी ने सिर्फ ऐलान किया कि देखिए अब हम टीकाकरण कर रहे हैं। हमने डेटास को ठीक से कलेक्ट नहीं किया, वही अमेरिकी सरकार है जो कि डेटा अपना ठीक से कलेक्ट करती है, डेटा पर डिपेंड करती है, अपने साइंटिस्ट की बात मानती है। एंथनी फॉची ऐसा जो मेडिकल एडवाइजर इस समय अमेरिका को मिला है, आज उसी के दम पर आज अमेरिका ने ऑलमोस्ट कोविड की लड़ाई जीत ली है। क्यों? क्योंकि चाहे वो ट्रंप की सरकार हो चाहे फिर अब जो बाइडेन की सरकार हो, उन्होंने एंथनी फॉची की बात मानी। लेकिन आज मोदी सरकार ने इंसाकॉग ग्रुप बनाया जरूर साइंटिस्ट का, लेकिन उसकी किसी भी एडवाइस को नहीं माना। इंसाकॉग के सारे साइंटिस्ट ने इस बात को कहा कि देखिए अब आपको गैदरिंग्स नहीं करनी होगी बल्कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। और मोदी जी ने यह भी नहीं सोचा कि जो बेसिक चीजें हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, उसकी कमी हो सकती है। आपको हमने पिछले कई एपिसोड्स में बार बार इस बात को कहा है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 महीने लगा दिए सिर्फ टेंडर इनवाइट करने में कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं जिसको लेकर ज्यादा कीमत नहीं थी, सिर्फ 200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने थे, लेकिन यहां पर नियत की कमी थी, रणनीति की कमी थी, विजन की कमी थी मोदी सरकार की। और आज यही वजह है कि आज हजारों नहीं बल्कि हर प्रांत में आज लोग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं पर उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं। हर घंटे में ये खबर आ रही है कि मरीज अस्पताल के गेट्स पर अपना दम तोड़ रहे हैं क्योंकि वो अस्पताल के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप ऐसी सरकार को? अगर आज मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कहा है कि मर्डरस चार्जेस लगाने चाहिए, तो आज क्या मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने की जरूरत नहीं है? आज क्या मोदी सरकार से इस बात को नहीं पूछा जाएगा कि इन मौतों के लिए आज कौन जिम्मेदार है? इन मौतों की आज जिम्मेदारी कौन लेगा? उन परिवारों के आज आंसू कौन पोंछेगा जिनके लोग आज मर गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली? ये चीजें प्रोवाइड करने का काम, नीति बनाने का काम, प्लान करने का काम सरकार था, और इसी सरकार ने आज अपने ही लोगों को फेल कर दिया है। मेरे पास अब और कुछ ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म करने के पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि बेबाकी से बोलना और पत्रकारिता करना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।